दोस्तों आज हम आपको दुष्ट दुराचारी पति पत्नी के अवैध संबंधों पर आधारित एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको ये पता चलेगा कि जो पति पराई स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाते हैं, ऐसे पतियों की पीठ पीछे उनकी औरतें क्या कुछ करती है और फिर अंत में क्या होता है। ये कथा स्कंद महापुराण से ली गई है। लेकिन शुरू करने से पहले, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन काल की बात है, दूर सुदूर समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र में बास्कल नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में वैदिक धर्म से विमुख भटके हुए लोग रहते थे। वे सब के सब बड़े ही दुष्ट व दूषित मन वाले थे। दिन रात विषय भोग और वासनाओं में लिप्त रहना उनका स्वभाव था। यदि संक्षिप्त में कहें तो ज्ञान और वैराग्य से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इतना ही नहीं, अपितु उस गांव की स्त्रियां भी स्वभाव से कुटिल और व्याभिचारिणी थी। उनका आचरण, सद्व्यवहार व सदाचार से कोसों दूर था। किंतु इस सब के ठीक विपरीत उसी गांव में बिंदुक नाम का एक धर्म परायण ब्राह्मण रहता था। पूजा पाठ व दान दक्षिणा से जो कुछ उसे मिलता उसी से वो अपना गुजारा करता। उसी के समान उत्तम चरित्र वाली उसकी भार्या थी। उसका नाम था चंचुला। कहने को तो चंचुला एक ब्राह्मणी थी, लेकिन सौंदर्य में वो किसी अप्सरा से कम न थी। चंचल नेत्र, मोहक मुस्कान उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। ईश्वर की कृपा से वो दोनों दंपत्ति खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। बिंदुक भी चंचुला से बड़ा स्नेह करता और वो भी उसे भरपूर प्रेम देती। लेकिन दोस्तों, ये नियति कब करवट बदल ले कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्ञानियों ने सत्य ही कहा है, तज्जन पुरुषों को कभी भूल कर भी दुर्जनों की बस्ती में नहीं रहना चाहिए। अन्यथा ये दुर्जन कब सज्जन को अपने जैसा बना दे पता ही नहीं चलता। ठीक ऐसा ही बिंदुक के साथ हुआ। बुरी संगत ने अपना असर दिखाया और वो एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। हालांकि वो वेश्या चंचुला की तुलना में कुछ भी नहीं थी। चंचुला उससे कहीं अधिक सुंदर व गुणी थी। लेकिन दोस्तों, जो मनुष्य काम के वेग में अंधा हो चुका हो, उसे ये सब समझाया नहीं जा सकता। वो अब अपना ज्यादातर समय उसी दुराचारिणी के साथ बिताता। दिन हो या रात वो उसी के कोठे पर पड़ा रहता। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया। उधर चंचुला को अब अपने पति की कमी खलने लगी। उस समय वो भी जवान और खूबसूरत थी, अतः काम के वेग ने अब उसे पीड़ित करना शुरू कर दिया। किंतु स्वधर्म नष्ट हो जाने के भय से वो कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक पथ भ्रष्ट नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, अब भला आप ही सोचिए, आखिर वो बेचारी कब तक स्वयं को चाहती। अंततः एक दिन वो भी बिंदुक के समान पथ भ्रष्ट हो गई। अपने पति से दृष्टि बचाकर वो चोरी छुपे पर पुरुषों के साथ रमण करने लगी। अब जैसे ही बिंदुक घर से निकला, कई पर पुरुष उसके घर के चक्कर लगाने लगे। रात में भी कई बार जब वो घर पर नहीं होता, तब भी वो इशारे करके पर पुरुषों को अपने घर बुला लेती। वो उनसे अपनी काम इच्छा की तृप्ति करती। और ऐसे ही एक रात की बात है, उस रात बिंदुक घर जल्दी लौट आया। तब उसे उस दुराचारिणी की काली करतूतों के बारे में पता चला। उसने देखा कि वो किसी पर पुरुष के साथ सरसंग कर रही है। बस फिर क्या था, क्रोध के आवेग में आकर वो चंचुला पर बरस पड़ा। लेकिन दोस्तों, उसका क्रोध ज्यादा देर तक टिक न सका। उससे दबने के बजाय चंचुला ने निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति से कहा, तू मुझ जैसी पति परायण स्त्री को छोड़कर किसी और के साथ रंगरलियां मनाता है। तुझे क्या लगा मुझे तेरी करतूतों के बारे में पता नहीं चलेगा।
ले अब तूने जैसा किया मैंने भी वैसा ही किया, लेकिन दोस्तों बजाय इसके वो कुछ और कहता। उसने कहा, काम से व्याकुलचित होकर तूने सत्य ही कहा है प्रिय, आज से तू निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ सरसंग कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। भांति भांति की काम कलाएं दिखाकर तू उनका धन छीन, फिर वो धन लाकर तू मुझे दे। और इस प्रकार से दोस्तों उस मूलमती वाले दंपत्ति ने आपस में समझौता कर लिया ताकि वे दोनों अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सके। तदनंतर वो निर्भय होकर कुकर्म में लीन हो गए। ऐसा करते करते उन्होंने कई वर्ष बिताए और बीतते समय के साथ ही उस दुराचारी का संसार से विदा लेने का समय आ पहुंचा। किंतु दोस्तों मृत्यु के समय उसे जो कष्ट हुआ उसे शब्दों में बता पाना संभव नहीं। इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद जब उसने नर्क भोगा तब भी उसे अपनी करनी पर खूब पछतावा हुआ। लेकिन इस सब से अनजान चंचुला जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रही थी। हालांकि उम्र ढलने के कारण अब उसने उन सभी दुष्कृत्यों से मुख मोड़ लिया था जो कभी उसकी दिनचर्या का हिस्सा हुआ करते थे। और ऐसे ही एक दिन वो घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर जा पहुंची जहां देव आदि देव महादेव की पावन कथा चल रही थी। उस कथा में ब्राह्मण महाराज कर्म व उनसे जनित फलों पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्याभिचार करती है वो मरने के बाद जब यमलोक जाती है तब यमराज उन्हें भांति भांति से यातनाएं देते हैं। अतः दोस्तों ऐसी भयंकर सजाओं के बारे में सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो उठी। तदनंतर कथा समाप्त होने पर वो ब्राह्मण महाराज से बोली, महाराज पूर्व काल में मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मुझसे बड़ा दुराचार हो गया। कामंद होकर मैंने अपनी संपूर्ण युवावस्था व्याभिचार में बिताई। कुसित विचारों में फंसकर कब मैं अपने धर्म से विमुख हो गई मुझे पता ही नहीं चला। किंतु आज मेरे मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो उठा। शारीरिक सुख को पाने के लिए मैंने भयंकर कष्ट देने वाले घोर पापों को कर डाला। हे ब्राह्मण देव अब आप ही मेरे गुरु और मेरे उद्धारक हैं, कृपया आप मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं। इस पर ब्राह्मण महाराज ने उसे मुक्ति और भक्ति के वे सभी उपाय बताए जो किसी भी मनुष्य को पाप मुक्त कर मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। तदनंतर समय आने पर प्राण त्याग वो सीधे शिव धाम गई। वहां उसने महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना कर पिशाच योनि में कष्ट भोग रहे अपने पति बिंदु को मुक्त भी करवाया। और इस प्रकार से दोस्तों फिर वो दंपति खुशी खुशी शिव धाम में रहने लगा। तो दोस्तों ये थी कथा एक ऐसी स्त्री की जिसने शिव भक्ति के बल पर अपना व अपने पति का उद्धार किया। ये कथा सूत जी ने अपने श्रीमुख से सोनक जी को सुनाई थी। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतीकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।